पर सदी लाल मीणा जी का बयान है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम काहे के लिए बैठे हैं, मतलब हम देख लेंगे और उनको उनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है, देख लेंगे, प्रसादी लाल जाने। लेकिन अगर आप सरकार में बैठे प्रसादी लाल जी, तो आपको ये भी पता होगा कि आपकी सरकार ने समझौता किया था 2019 और 2020 में, आप उसका क्रियान्वयन क्यों नहीं करते? ये बेतु के बयान क्यों दे रहे? इन सब बयानों से आपकी स्टेट्समैनशिप नहीं झलकती साहब। तो मेरा निवेदन है कि भड़काएं नहीं, काम करें। काम करना ज्यादा जरूरी है। हमारे 2019 और 2020 के समझौते हुए थे जो सरकार ने अभी तक पूरे नहीं करे। हमारी तो सीधी सीधी बात है भाई साहब, हम 4 साल से सरकार के चारों तरफ घूम रहे हैं, सब नेताओं से मिल रहे हैं कि आप हमारी मांगे पूरी कर दो, हमारे केसेस का निस्तारण कर दो, आप हमारी देवनारायण योजना को ठीक कर दो, हमारी प्रकृति भर्तियां दे दो, हमारे बैकलॉग दे दो, 233 की नौकरियां दे दो, 372 की नौकरियां दे दो, नर्सिंग 2013 की नौकरियां दे दो। लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ रहा। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि हम राहुल गांधी जी को नहीं रोक रहे, राजस्थान की सरकार ही राहुल गांधी जी को रोक रही है। अगर वो हमारा ये काम कर देंगे तो हम तो फूलों से स्वागत करेंगे, नहीं करेंगे तो भाई हम उनको जाने नहीं देंगे। सर बहुत हो गया, अब पानी सर के ऊपर चला गया है, बहुत हो गया। 4 साल बहुत होते हैं साहब, 4 साल में बच्चा पापा पापा बोल करके चलना सीख जाता है। और इनसे तो अभी तक हमारे समझौते पूरे नहीं हुए, और समझौते जो हैं हमने तो नहीं करे थे साहब। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।